अभी मैं आधुनिक भारत का आधुनिक हाईवे नंबर वन यानी जीटी रोड नंबर वन जो दिल्ली से अमृतसर जाता है वहाँ पे हूँ और वहाँ की कुछ सच्चाई दिखाऊंगा। ये क्रैक्स आप देख सकते हैं और आगे चलते हैं। ये हाईवे का एक बॉक्स कलवर्ट है, बॉक्स कलवर्ट 3 मीटर हाइट का, 3 मीटर चौड़ाई का। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी। भारत में जब तक हादसा नहीं होता है तब तक सुधार नहीं होता है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हादसा से पहले इसका सुधार होना चाहिए। हालांकि इस सड़क पे जो है, हाईवे पे जो है, ओवरलोडेड गाड़ियाँ लगातार चलती है, जिसके वजह से ये कारण हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप, ये शटरिंग मिस्टेक नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा तो इधर सभी क्रैक्स है, इधर सभी क्रैक्स है, आप देखिए। और देखिए अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो इन लोगों को हॉर्न बजाना ज़्यादा ज़रूरी है, देख लीजिए, हॉर्न बजाना ज़्यादा ज़रूरी है, साइड में रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और जिस दिन ये गिर जाएगा उस दिन 2-4 लोग जाएंगे काम से। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ रहते हैं आप? देवीनगर गाँव, यहीं पे। हाँ अच्छा ये बताइए, ये कब से इस प्रकार का है? ये तो बहुत टाइम हो गया जी, पहले सही था लेकिन बाद में झुक गया है नीचे। पहले सही था? हाँ हाँ, धीरे धीरे झुकता गया। हाँ हाँ, अभी ये कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, अब गिरने ही पड़ा है, गिरेगा क्या। हाँ और क्या बोलते, पहले ना इस रिपेयरिंग के लिए आते ना तो उसके ऊपर ना सीमेंट बना के पुट्टी लगा जाते हैं उसके ऊपर। तो अभी रिपेयरिंग मतलब पता ना चले ना किसी को कि भी सही है तो इस करके। हाँ जी। और ये देखिए, ये हाईवे नंबर वन है और यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार का दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, ये जो दीवार है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल है, दीवार है या बॉक्स कॉलबर्ट का जो भी है, वहाँ पे भी ऊपर का जो बीम है वो जो है कम से कम 3 इंच ऊपर निकला हुआ है, कम से कम, ये देख सकते हैं ये सभी। और इस प्रकार का इंजीनियरिंग मिस्टेक अगर देश का हाईवे नंबर वन पे होगा तो शायद हाईवे का कंडीशन सही नहीं होगा। और ये हाईवे जो है दिल्ली से अम्बाला होते हुए अमृतसर तक जाता है और इसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। ये ढाका से कोलकाता होते हुए, फिर दिल्ली होते हुए और लाहौर तक जाता था। बाद में इसे 2 पार्ट में कर दिया गया, दिल्ली से कोलकाता को हाईवे नंबर 2 कहा गया और दिल्ली से अमृतसर को हाईवे नंबर 1 कहा गया। और ये हाईवे की स्थिति है, आप देख सकते हैं। और भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए इधर पूरा क्रैक्स हो गया है पूरा। हालांकि यहाँ के जो हाईवे इंजीनियर होंगे वो बोलेंगे कि रिटेनिंग वॉल का क्रैक्स है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरा क्रैक्स है, ये पूरा क्रैक्स है, आप देख सकते हैं। और इस क्या बोल रहे हैं, मी पड़ा ना जब टुबका आयो लखनी जंदा तड़े नु पानी चुआ इसमान, ऐसा है क्या? मतलब कि पानी जो है वो यहाँ से गिरते रहता है हमेशा। और ये पहले ऐसे था कि धीरे धीरे ये बढ़ा है? हाँ जी, पहला नहीं था इतना, पहला नहीं, अभी होया जी, अभी होया। हाँ अभी होया। और यहाँ के एक स्थानीय युवा थे, वो किधर चले गए? हाँ आप बता रहे थे, और सब हाईवे की कंडीशन और सब पुलों का कंडीशन दिखा रहे थे, बता रहे थे। ऐसा बुरा हाल है पुलों का, सब साइडों से खिसके पड़े हैं, मट्टी खिसक गई है सारी की सारी। जैसे बारिश होती है ना, सारा पानी नीचे खिसक जाता है, तो सारा नीचे आ गया मट्टी, मतलब जो भी सीमेंट वगैरह लगा रखा है, तो A to Z सारा। अब जरा बताइए कि इस प्रकार का अगर स्थिति इस देश का हाईवे नंबर वन का रहेगा तो क्या होगा। और नितिन गडकरी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे एक एक गाड़ी में इतने सारे लोग आते हैं, और अगर किसी दिन ये पुल गिर गया और कोई गाड़ी इस पुल के नीचे दब गया तो ना जाने कितने घरों का चिराग बुझ जाएगा। तो इसके पहले चिराग बुझे किसी के घर का, इस पुल का निर्माण सही से होना चाहिए और इसका रिपेयरिंग सही से होना चाहिए। और जितना भी नेशनल हाईवे है इस देश में, उसके हाईवे के पुलों का निरीक्षण करने के लिए एक ईमानदार टीम का गठन होना चाहिए, ताकि समय समय पर निरीक्षण होते रहे। और अगर इसका निरीक्षण हुआ रहता तो शायद अभी इसकी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। आप देख सकते हैं सेंटर से कम ये 4 इंच डाउन हो गया है, सेंटर से 4 इंच। और जिस दिन 2 इंच और डाउन हो गया, यानी जिस दिन 6 इंच डाउन हो गया ना, उस दिन ये पुल गिरेगा ही गिरेगा। और ये शटरिंग मिस्टेक नहीं है, आप देख सकते हैं। और अगर शटरिंग मिस्टेक भी है, शटरिंग के वजह से वो इस प्रकार का डाउन है, तो शटरिंग मिस्टेक भी नेशनल हाईवे नंबर। क्या क्या समस्या होता है इस पुल के वजह से? एक्सीडेंट भी होते हैं,
चोरियां होवा बहुत ज्यादा चोरी होवा। अच्छा उसके पास लाइट लगा हुआ है, लाइट काम करता है कि नहीं? लाइट मचदी नहीं है, लाइट लाई भी जरूर आ, चालू नहीं करी हैगी। चालू नहीं की? ना चालू नहीं करी है। पुल का हाइट? पुल का हाइट भी नीमा हो गया, गिरने का खतरा मानू बहुत ज्यादा। हाँ जो सारा तेड़ खाई खड़ा तेरे सामने। अच्छा आप पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी? पढ़ा भी। अरे इस देश के अनपढ़ों को भी पता है कि पुल का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन इस देश के यशस्वी सिविल इंजीनियरों को नहीं पता है कि किस प्रकार से होना चाहिए। हालांकि यशस्वी सिविल इंजीनियर को भी पता है कि पुल का निर्माण सही ढंग से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपना जेब और नेताजी का जेब भरने के चक्कर में जो है ना जाने कितने लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और कोई भी पुल का डिजाइन जो है वो 100 ईयर लाइफ साइकिल के लिए किया जाता है। अगर 100 साल के लिए किया गया है तो 10 साल में ये पुल टेक है लग बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि इस देश के यशस्वी काबिल इंजीनियरों को इस बात की जानकारी नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे रिपेयरिंग होते रहा है, और जहाँ पे रिपेयरिंग हुआ है वहीं पे 3 इंच जो है इस साइड का स्लैब जो है वो डाउन हो गया है, नीचा हो गया है, और यहाँ पे भी क्रैक्स आ चुका है। पूरा ये जो है ना पूरा क्रैक्स आया है, पूरा आप देखिए ये पूरा क्रैक्स है। यानी कहने का मतलब है ये पोर्शन कभी भी नीचे गिर सकता है, कभी भी। तो इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री जो बहुत अच्छा काम करते हैं नितिन गडकरी, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचाएगा या उनके मंत्रालय के किसी भी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाएगा तो शायद इस देश का हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है उस हाईवे का सही ढंग से फिर से इस पुल का निर्माण हो जाएगा। और इस जगह का क्या नाम है फिर से आप बता दीजिए? बताओ क्या नाम है? ये देवी नगर है ना, देवी नगर। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करके टैग करें इस देश के पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से। और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।